विश्वास कहता है अमावस्या के दिन उस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जो नदी तालाब बावड़ी कुआं किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर बनेगा, पितृ भंडार बनेगा। किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जला, कोई तकलीफें लग रही है तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जला कर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर। स्वयं गुरु बाबा कहते हैं राम सुनो, यदि कोई आरती में पूजन में घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा, आज भी एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जला कर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापस प्राप्त हो जाएगी। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है मैना धन्या और कला की कथा कह रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन है। सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास देते, और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से, आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है, सात स्थान चंदन के बताएं महाराज, पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के
ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है मैना धन्या और कला की कथा कर रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन है। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली एस्ट्रोटॉक नाम की, अबे नहीं मैं कुछ रिव्यू नहीं कर रहा हूं। जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृ दोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृ दोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृ दोष का स्मरण। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृ लोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। शिव महापुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो, या बेलपत्री का वृक्ष हो, या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो, ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे? कुछ करा ना करा,
फिर अमावस्या के दिन उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर। इनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, फल बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल दीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सबदुर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबाइए। केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता